अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। टुडेज ब्लॉग इज गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल ब्लॉग। आई ऑलवेज से दिस इन एवरी ब्लॉग, है ना? बट आज का ब्लॉग कुछ ज्यादा स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं लेने वाली हूँ हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट। हमारी एनिवर्सरी आने वाली है और वो भी मतलब 4 साल मुस्तफा और मैंने एक दूसरे को बर्दाश्त किया। ओ माशाल्लाह बोलो, माशाल्लाह बोलो जल्दी सारे के सारे। हमारी आने वाली है एनिवर्सरी और अभी उस एनिवर्सरी में है तकरीबन कोई 12 दिन, लेकिन मुझे लेना है उनके लिए गिफ्ट अभी जाकर। पर गिफ्ट में लेना क्या है उनके लिए, ये तो बड़ा सवाल है भाई। थोड़ा सा बैठ के बताना पड़ेगा अब आपको। बैठ जाती है। हाँ जी, तो उनके लिए गिफ्ट में क्या ले? पहले मैंने सोचा कि उनके लिए सॉक्स ली जाए। सॉक्स इसलिए क्योंकि उनकी सॉक्स बहुत खराब हुई है। एक ही सॉक्स को धो धो के उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है। मैंने सोचा कि उनके लिए सॉक्स का ही पेयर ले लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, सॉक्स वो छोटा गिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा, और एक बात और आप लोगों को बता दूं, हमेशा एनिवर्सरी के गिफ्ट में मुझे मुस्तफा ने ही गिफ्ट दिया, मैंने कभी भी उनको गिफ्ट नहीं दिया। पर मैंने सोचा कि इस बार कुछ थोड़ा स्पेशल किया जाए, मैं भी उनको गिफ्ट दे ही दूं। 4 सालों में इस बार पहली दफा मैं उनको गिफ्ट देने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा कि ये सॉक्स दे देते हैं, पर ये सॉक्स बहुत छोटा गिफ्ट हो जाएगा, ये नहीं सही। फिर मैंने सोचा कि ये वाले स्लीपर्स ले लेते हैं, ये कोई ब्रांडेड स्लीपर्स हैं और ये मुस्तफा को पसंद भी थे, बहुत ज्यादा दिल था इनका ये लेने के लिए। मैंने सोचा चलो यही पता कर लेते हैं कितने के हैं, 100-200 रुपए के होंगे तो ले लेंगे। लेकिन जब पता किए तो ये तो कुछ ज्यादा ही 100-200 से भी ऊपर के थे। फिर मैंने सोचा कि इन स्लीपर्स के लिए मैं इतने पैसे लगाऊंगी और पहन के भी बाहर जाना है, फिर गंदी करके लेकर आनी, इससे बेहतर है कि ये प्लान स्किप किया जाए और कुछ और लिया जाए, तो मैं ये नहीं लेने वाली। तो अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि इनके लिए गिफ्ट ले तो क्या ले, क्योंकि स्लीपर्स और सॉक्स का प्लान कैंसिल हो चुका है। अब समझ से बाहर है कि लिया क्या जाए। आप लोग भी सोचे और बताएं क्या ले। आइडिया, मुस्तफा को वॉचेस बहुत ज्यादा पसंद है और रिसेंटली उनको ये वाली वॉच बहुत ज्यादा पसंद आई हुई थी। पर एक मॉल है मेरे घर के करीब ही, वहां पर जाके पता करते हैं कि ये वाली वॉच वहां पे अवेलेबल है या नहीं। लेकिन उससे पहले मुझे होना पड़ेगा रेडी, तो चलें जल्दी से होते हैं रेडी। 1 2 3 तो मैं हो चुकी हूं रेडी, सो लेट्स गो। बहुत गर्मी है बाहर, बहुत ही ज्यादा, जल्दी जल्दी भागना है। तो हम आ गए हैं जल्दी जल्दी। अच्छी, तो मैं इन भाई के पास आई हूँ और आपको मैंने दिखाया था, दिखाइए कौन सी वाली घड़ी मुझे चाहिए। तो वैसे वाली घड़ी, वो वाली घड़ी नहीं है, वो तो नहीं है। और वो कितने की मिलती है? अराउंड 20-25,000 है। नहीं, हमारा इतना बजट नहीं है, मुझे 200-100 रुपए वाली दिखाएं। मिलेगा आपको करोड़ों में ऐसा। तो यहाँ पे आपके पास नहीं है? इधर नहीं मिलेगा। अभी इनके पास दूसरी है, ये इनके कलेक्शंस हैं कैसियो की और ये, बट हमें ये नहीं चाहिए अनफॉर्चुनेटली। और जो ये बता रहे हैं बहुत महंगी बता रहे हैं, तो ये शॉर्ट है। तो चलो यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें काम कर सकते हैं कि यहाँ पर जाके कुछ ठंडा वगैरह पी लेते हैं। तो ये लगे हुए हैं मिल्क, इनमें से एक मिल्क उठाएंगे हम, ये वाला चॉकलेट वाला। हाँ जी, तो वो जो हमें वॉच चाहिए थी वो भी हमें नहीं मिली और मैं अपने लिए लेकर आ गई ये शेख। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब घर जाके सोचना पड़ेगा ठंडे दिमाग से कि अब क्या और लिया जाए, क्या किया जाए। सारा प्लान फ्लॉप हो रहा है। कुछ नहीं मिला। इस बार मुझे लगता है मुझे मुस्तफा को कुछ दे ही नहीं सकूंगी इस बार भी, हमेशा की तरह। मुझे समझ नहीं आ रही, अब ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि क्या लिया जाए। One eternity later. एक मिनट, मुझे समझ आ गई कि मुझे मुस्तफा के लिए क्या लेना है।
मुस्तफा को एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी और वो मुस्तफा ने नहीं ली थी, मुझे नहीं पता क्यों नहीं ली थी, शायद वो लेना नहीं चाह रहे थे, वो चाह नहीं रहे थे कि वो बिला वजह उस पर स्पेंड करें। मुस्तफा को एयरपॉड्स की जरूरत थी, आईफोन के ओरिजिनल वाले, क्योंकि उन्होंने अपने एयरपॉड्स गुमा दिए थे कुछ टाइम पहले, आगे मिसप्लेस हो गए थे कई, मेरा खुद भी याद नहीं है, तो उसके बाद वो उनको इनके एयरपॉड्स दोबारा नहीं मिले। और फिर अभी वो रिसेंटली हमारे घर में पड़े हुए थे एक एयरपॉड मेरे पास जो मैं यूज कर रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आप वो वाला क्यों नहीं यूज करते, वो यूज कर लें। लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं वो वैसे वाले नहीं है। देख रहे हैं आप, ये वाला जाके हम लेंगे, जाके चेक करते हैं, दोबारा जाके देखते हैं वहां पर, क्या पता हमें ये चीज मिल जाए। अगर मुझे ये भी नहीं मिला वहां पर तो फिर आई एम सॉरी, ये आप व्लॉग देख रहे होंगे मुस्तफा, देखेंगे ये आप, तो आई एम सॉरी, मैंने बड़ा ट्राई किया आपके लिए लेने के लिए, इस व्लॉग में आप देख लेंगे आपको पता लग जाएगा। आई होप कि मिल जाए, इज्जत रह जाए, क्योंकि मैं इस बार देना चाह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं वो वाली चीजों में से दूं जो जिसकी मुस्तफा को जरूरत थी, जिसकी मुस्तफा की ख्वाहिश थी, विश थी कि मैं ये चीज लूं, तो ये भी उनमें से एक है। चलो 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 चले जल्दी चले जल्दी चले जल्दी चले, जो मोबाइल कहाँ लेके जा रही हूँ उसको तो छोड़ के जाना है यहाँ पे। चलो 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 चलो, टाइम वेस्ट किए बगैर जाएंगे, तुम इधर ही रहना, मैं अभी आती हूँ। ये रहा पर्स और ये रहा मोबाइल, एक दूसरा मोबाइल कहाँ गया, दूसरा मोबाइल कहाँ गया मेरा, दूसरा मोबाइल गिर गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तुम्हें मैं कैसे यहाँ पे छोड़ के चली गई, घर में है मेरा मोबाइल, तुम्हें मैं कैसे छोड़ के चली गई, आई मिस यू सो मच। गाइस, यू नो व्हाट, मुझे मुस्तफा का गिफ्ट मिल गया है। अब गिफ्ट कहाँ गया, बड़ी मुश्किलों से मिले, मैं बहुत थक चुकी हूँ उस वक्त, दिखाऊंगी दिखाऊंगी, जरा थोड़ा सब्र रखो, इस वक्त मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा रेस्ट, आप लोग भी थोड़ा रेस्ट करें, और जो मैंने किस तरीके से ये खरीदे तब तक आप जरा वो क्लिप्स देखें, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। तो पेमेंट हो चुकी है, सारा कुछ ले लिया है, अब इतने पैसे लगाए हैं तो कुछ यहाँ पे खुद भी कुछ खा पी लें, मैं जरा नीचे वाले पोर्शन में आई हूँ कि खुद भी कुछ जरा खा पी लें, इतने पैसे लगा के ना वहाँ से कुछ लेने का मेरा दिल नहीं किया, तो मैंने सोचा कि ये फ्लेवर्ड दही ले लेते हैं एक दरम का, यही बहुत है। हेलो, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ ज्यादा दिनों का रेस्ट ही कर लिया आप लोगों ने, मैंने भी काफी दिन का रेस्ट कर लिया, तो जैसा कि आप लोगों ने डेट देख लिया, आज 20th है और एक दिन है रह गया बस कल का, और 22nd को हमारी एनिवर्सरी है जिस दिन ये ब्लॉग भी पोस्ट किया जाएगा, एक दिन रह गया, टाइम को मजीद वेस्ट ना किया जाए, और जो मुस्तफा का गिफ्ट लिया हुआ था उसको रैप किया जाए, रैपिंग की जाए, क्योंकि गिफ्ट भी पैक नहीं किया हुआ, और गिफ्ट इतनी आसानी से तो हम मुस्तफा को देने वाले नहीं है। तो ये रहा वो मुस्तफा का गिफ्ट जो मैंने लिया था एयरपोर्ट, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाए थे इस तरह से क्लियरली, तो हम लोग गिफ्ट में पैक करेंगे, मैंने बहुत सारे बॉक्सेस निकाले हैं, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स, दूसरे बॉक्स के अंदर तीसरा बॉक्स, और थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने मुझे पीआर भेजे हुए थे, पीआर भेजे हुए थे मतलब थैंक यू सो मच फ्री गिफ्ट के, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, उनके मैंने बॉक्सेस संभाल के रख लिए हुए थे, जिनके ऊपर रैपिंग नहीं आई हुई उनके ऊपर रैपिंग पेपर लगा के उनको रैप अप करेंगे और इस गिफ्ट को पैक करेंगे। वैसे मैं सोच रही थी कि ये गिफ्ट उनको कब दिया जाए, 21st की नाइट मतलब 12 बजे के बाद जब 22nd हो जाए तब दिया जाए या नेक्स्ट डे दिया जाए, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता सकते हैं, क्योंकि जिस दिन ये मैं पोस्ट करूंगी उसी दिन एनिवर्सरी होगी, तो जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे मैं वही करूंगी। वैसे मेरी तो मर्जी है कि मैं इनको 22nd को ही दूं, देखती हूँ ना कि ये मुझे क्या सरप्राइज देते हैं, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे कि नहीं, फिर ही जाके गिफ्ट दूंगी, यही करूंगी। प्यारी समझ गई। ये मैंने बॉक्सेस निकाल के रखे हैं रैपिंग करने के लिए, और ये रैपिंग पेपर भी पड़ा हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूं कि वाकई आज डेट क्या है, ये देख सकते हैं आप लोग 20th अगस्त है, We'll be right back।
तो ये हो चुका है रेडी, ठीक है गिफ्ट। अब मेन जो टारगेट है ना वो इसको छुपाना है, वो मैं हर छुपा लूंगी आसानी से, कोई मसला नहीं। मुस्तफा को सामने बड़ी भी चीज नजर नहीं आती तो ये भी नहीं दिखेगा। वो मुस्तफा जब आएंगे तो मैं उनको विश करूंगी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और इसमें जरूर ऐड करूंगी। बाकी आगे क्या करते हैं वो सरप्राइज देते हैं, यानी वैसे हमेशा देते ही है कुछ ना कुछ, होता ही है कि हमेशा उनका सरप्राइज खराब हो जाता है। हमेशा वो कोशिश करते हैं कि मुझे ना पता लगे, लेकिन कुछ ना कुछ होता है कि पता लग जाता है। पर इस बार इन्होंने मुझे जरा सी भी भिनक नहीं पड़ने दी, तो पता नहीं इन्होंने किया हुआ प्लान सरप्राइज या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। नहीं भी किया हो तो कोई मसला नहीं है, मैंने उनके लिए कर लिया है, यही बहुत है। तो देखते हैं क्या छोटा मोटा सेलिब्रेट करते हैं। खैर सेलिब्रेशन तो कुछ भी नहीं है, सेलिब्रेशन तो नाम का ही होता है। सेलिब्रेशन तो वैसे भी ये चीज नहीं कहलाती ये सेलिब्रेट करना, कि सेलिब्रेशन तो वो होती है जो बहुत कोई सबको बुलाया जाए, सबको इन्वाइट किया जाए और धूम धड़क्के के साथ, वैसा नहीं होता। बस हमारा तो ये सेलिब्रेशन होता है कि चलो साथ मिलकर लंच कर लिया या डिनर खा लिया, और यही होता है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ टाइम निकाल के बैठ सकते हो। मैं आप लोगों को भी ये कहूंगी कि थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाला करें, और इस तरह से ये छोटे छोटे मौके होते हैं, इवेंट्स होते हैं जिसमें आप लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो देखते हैं अगर हमारा प्लान बनता है कहीं जाने का, खाना खाने का, तो मैं वो हम लोग वो वाला ब्लॉग भी बनाएंगे और तभी मैं उनको ये वाला गिफ्ट भी दूंगी। तो चलो अब वेट करो कल का। रात के बज रहे हैं 2 और इस वक्त आए हैं हम सुबह। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी 4th वेडिंग एनिवर्सरी। हाय हाय, कहाँ रुकूँ, ये डब्बा समझ ही नहीं आ रही, कहाँ रुकूँ समझ ही नहीं आ रही। वैसे कभी कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कहीं आपने डब्बा छुपाया हो सरप्राइज देने के लिए अपने हस्बैंड को, और कभी भी वो उस जगह पे कभी भी आज तक ना गए हो, लेकिन जिस दिन आप छुपा के रखो उसी दिन उनको जरूरत पड़ जाती है और वहीं पे चले जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको कहाँ रखूँ। अब सोच रही हूँ सोफे के नीचे छुपाऊं, लेकिन फिर ये भी डर है कि ऐसा ना कोई चीज रिमोट नीचे गिरे और वो देखने लग जाए और पता लग जाए। चलो देखते हैं